वी डू हैव हाई एक्सपेक्टेशंस एंड आई थिंक जो हमारा गाना है हंगामा वो यंगस्टर्स को बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ नया होगा कि अगर हम क्लब हॉपिंग करें और इस गाने पे डांस करें और जो लोग सैटरडे को पार्टी कर रहे हैं और हंगामा पे डांस कर रहे हैं उनके साथ में कुछ डांस स्टेप्स शेयर करें. तो इट्स वेरी इनोवेटिव एंड वी आर यू नो होपिंग कि वी गेट लिटिल बिट मोर अटेंशन. कंगना, आपने तन्नू विद मन्नू यू हैव बीन प्रमोटिंग आउटस्टैंडिंगली, तो इसके ऊपर भी आप कुछ कंपैरिजन करना चाहोगे या डिस्टिंग्विश करना चाहोगे दो चीज़ों को, प्रमोशन स्ट्रैटेजी को लेके? वेल आई थिंक क्वीन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर मी और जिस तरह से लोगों को पसंद आ रही है और जिस तरह से सब सराह रहे, आज तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे, आज तो हमें 100 में से 100 नंबर मिले हैं, नहीं 10 में से 100 नंबर, 10 में से 100 नंबर मिले हैं आज हमें. जितने भी रेडियो जॉकीज के लिए हम लोगों ने स्क्रीनिंग रखी थी उसमें हमें ज़्यादातर 5 5 5 स्टार्स ही मिले हैं, तो हमें बहुत अब हमारा कॉन्फिडेंस और भी हो गया और हम क्वीन के कपड़े पहन के पहुँच गए हैं. अब आई थिंक देखिए ये तो नहीं कह सकते कि ये सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड है, इसमें बहुत ही और भी पैरेलल कहानियां हैं, ऑन सम कास्ट हैं, आपको कई फॉरेन एक्टर्स भी देखने को मिलेंगे और भी लीसा का किरदार बहुत अच्छा है, उनका काम भी बहुत अच्छा है, राजकुमार का किरदार भी बहुत अच्छा है, ये एक लव स्टोरी भी है कहीं ना कहीं, एक औरत की जर्नी है उसके साथ में एक प्रेम कहानी भी है, दोस्ती की कहानी है, तो इसमें कई कहानियां हैं वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा. करना हम देखते हैं कि आमतौर पे जब पार्टीज में जाते हैं सेलिब्रिटीज तो काफ़ी स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, इस इन कपड़ों में स्टाइलिश है भाई. ये रानी के स्टाइलिश सबसे फेवरेट कपड़े रानी के हैं और इसीलिए वो ये पहन के बाहर आई है. तो कंगना से पूछें कंगना कंफर्टेबल है इन कपड़ों में या? वेल मुझे तो मैं शायद आखिरी बार रानी के कपड़े पहनने को मिल रहे हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने आई थिंक बहुत इन्जॉय किया है ये कैरेक्टर, इस किरदार ने मुझे बहुत कुछ दिया भी है तो मेरे लिए तो बहुत इमोशनली इमोशनल.